कैसे हो भाई लोग और बहन लोग, होप कर दो सर अच्छों और ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि एक वीडियो कॉम्बिनेशन है ट्यूटोरियल प्लस व्लॉगिंग के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे। और क्या है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और मज़ा बहुत आने वाला है। तो अभी चलो टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आपका, और जो मैं आर्ट वर्क कर रहा हूँ प्रैक्टिस वर्क है एक एक्चुअली, तो इसको मैं कर रहा हूँ, इसकी मैंने आउटलाइन फिनिश कर ली है, ठीक है। तो आउटलाइन के बाद शेडिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत टिप्स दे दूंगा, जिससे आपको सीखने को कुछ मिल सके इस वीडियो से भी। तो चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको दिखाता हूँ कि क्या कर रहा हूँ। तो भाई लोग ये कुछ अपनी रेफरेंस फ़ोटो होने वाली है, जिसकी आउटलाइन मैंने पहले ही बना ली है। अभी अपने को क्या है कि शेडिंग से डार्क और लाइट टोन कवर करनी है, और ये किस तरीके से करनी है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। और इस पेंसिल को आप इतना शार्प भी कर सकते हो, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, कोई डिपेंड नहीं करता, अपने हाथ पर डिपेंड करता। चलो शुरू करते हैं। तो अभी क्या है कि हमने पहले शेड डाल चुके हैं, लाइट शेड जो होती है। अभी आगे करते हैं, थोड़ा डार्क वैल्यूज़ कवर करते हैं। शेडिंग करते वक्त एक बात का ध्यान रखें, जो आपकी पेंसिल है उसकी टिप शार्प होनी चाहिए, जिसके कारण एक स्मूथ शेडिंग टर्न हो पाती है, वरना आपके स्किन के ऊपर पैचेस आ जाएंगे जो देखने में बहुत ही बेकार लगते हैं। तो अभी हमने HB पेंसिल से फर्स्ट टोन कवर कर लिया है। तो अभी क्या है कि इसमें थोड़ी डार्क वैल्यूज ऐड करते हैं, यूज़ करते हैं 2B पेंसिल का। अभी 2B पेंसिल से थोड़ी डार्क वैल्यूज कवर करते हैं। अभी मैं 4B का यूज़ करके वो सारे एरियाज कवर करूँगा जो एक्चुअल में डार्क है। फाइनली हमारी फेस की शेडिंग है वो डन हो चुकी है, और अभी हम वाइट चारकोल से हाइलाइट्स वाले सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। तो अभी क्या है कि ट्यूशन का टाइम हो रहा है, नहाना धोना भी है, तो चलो नहा धो लेते हैं और उसके बाद चलते हैं यार। जितना भी हो गया है अभी इसको बाद में करेंगे यार, इतना काफ़ी है। चलो पहले नहा लेते हैं। रेडी हो गया। अभी क्या है कि अभी चलते हैं नीचे, पहले सामान पैक करते हैं, ठीक है। इसमें से निकालते हैं पहले कुछ, ठीक है। अभी इसमें से कुछ डालते हैं उसके बाद चलते हैं। एक नोटबुक, नोटबुक नहीं कहेंगे इसको, ड्राइंग बुक कहेंगे। चलो इसको डालते हैं। ये मेरे टूल्स, मौसम तो यार आज पता ही कदर है। क्या पिद्दी पिद्दी सी राखी आती है जो, हाँ ठीक है मिलेगी, मैं ले आऊँगा। भाई भंडारा ले लिया, हम इसको एंजॉय करते हैं। तो यार खाना पीना तो हो गया हमारा, होपफुल यार एक भंडारा मिल गया, उधर हमने खा पी लिया, वरना घर से तो हम भूखे पेटे निकले थे। तो यार अभी लेट हो रहा है, जल्दी से चलते हैं वरना भैया वेट कर रहे होंगे। अभी घर जाके उस वर्क को थोड़ा सा और रह रहा है वो, उसको कंप्लीट करते हैं और फिर आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। और क्या है कि मैं फूल डालूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसमें मेरे को आप बताना कि नेक्स्ट जो पोर्ट्रेट है वो कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी घर पहुँच के बात करते हैं।
तो दोस्तों इतना कुछ मैंने क्लास में बना लिया था, अभी आगे का अपन स्टार्ट कर सकते हैं।